स्वागत है दोस्तों आपका एक और फ्रेश वीडियो में। मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं श्राउंड डब्ल्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में एक काहूजा का फैंटम सप्लाई है जिसका मॉडल नंबर APS 482 है। दोस्तों ये एक टू चैनल का फैंटम पावर सप्लाई है 48 वोल्ट का, और इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं किस टाइप का है, कैसा ये पावर सप्लाई है, किस काम आता है, क्योंकि काहूजा के जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू देख लेते हैं। और ये इसकी कुछ डिटेल है जिसमें क्या प्राइस इसका 3535 और फरवरी 24 का ये मैन्युफैक्चर है, फरवरी 2024। अनबॉक्सिंग देख लेते हैं दोस्तों इसका, किस टाइप का ये पैकिंग आता है। एक मैनुअल गाइड निकला है इसमें, जिसमें क्या इसमें दो तीन मॉडल नंबर दिए हुए हैं आहूजा ने अपने माइक के, जिसको ये सपोर्ट करता है। लेकिन आप इसको किसी भी माइक पर चला सकते हैं जहां भी आपको 48 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि JTS के बहुत गोश्त एक माइक आते हैं, ज़्यादातर इसका यूज़ वहीं होता है। पैकिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी पैकिंग आती है आहूजा की। दोस्तों ये है इसका लुक फ्रंट साइड, जिसमें आपको इनपुट 1 और इनपुट 2 वैसे ही सिंपल आउटपुट मिल जाएगा, किसी तरह कोई वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, और एक ऑन ऑफ स्विच बैक साइड में दिया हुआ है। फ्यूज़ और पावर कोड, भाई पावर कोड देख करके तो ऐसे लगता है आहूजा के पास एक ही पावर कोड है, जो कि मतलब 25 वाट से एम्पलीफायर में और 500 वाट तक यही पावर कोड आती है। बहुत हैवी पावर कोड है, इतना ही वजन पावर सप्लाई में है और लगभग इतना ही पावर कोड में, और थोड़ा सा कम, काफ़ी हैवी पावर कोड है इसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है। तो दोस्तों आप इसमें दो माइक चला सकते हैं, एक भी चला सकते हैं, एक टाइम में दो चलाएंगे कोई दिक्कत, एक टाइम में आप दो भी चला सकते हैं और एक माइक भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप वन चैनल भी इसमें यूज़ करते हैं तो रेगुलर चलेगा। इसमें ज़्यादातर JTS के माइक्रोफोन यूज़ करते हैं लोग बाग, जो भी साउंड वाले अपने वीडियोस देख रहे हैं, जैसे क्या 5225 आता है, 5218 आता है, इस तरह के मॉडल नंबर JTS के हैं। इसको माइक्रोफोन और मिक्सर के बीच में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, जहाँ भी आपको 48 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। आपके स्टूडियो में कोई माइक्रोफोन आपको चलाना, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, या आप कहीं कथा स्थल यानी भागवत प्रोग्राम में आप चला रहे हैं, जैसे कोई आपका भागवत प्रोग्राम है भागवत कथा का, और वहाँ पर आपको व्यास जी के जो दो माइक्रोफोन होते हैं उनको भी चला सकते हैं, या आप कहीं स्पीच प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल असेंबली है, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं दो माइक चलाने के लिए। जो लंबी डंडी वाले आपके माइक्रोफोन आते हैं 24 इंची, ज़्यादातर वहाँ इसको यूज़ किया जाता है। आहूजा ने भी अपने माइक कुछ इसमें कैटलॉग में दिए हुए हैं जिस पर ये सपोर्ट करता है, लेकिन आप किसी भी माइक्रोफोन पर चला सकते हैं। कनेक्शन भी दिया हुआ है कैसे यूज़ करना है, सिंपल है। माइक से आपको फैंटम लेने लाना है, फैंटम सप्लाई के बाद आपको मिक्सर में दे देना है, जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं। मल्टीपर्पज़ है ये प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छा है आहूजा का। इस तरह के प्रोडक्ट बहुत कम है मार्केट में, आहूजा ने बनाया है, स्टेंजर ने भी बनाया है, और आहूजा का एक सिंगल चैनल भी आता है इसमें का। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।